प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 11। पहला प्रॉब्लम, एक आदमी ने दो वस्तुओं को 650 रुपया में खरीदा। कितने वस्तु को? दो वस्तु को। एक वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो देखा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। हम एक आदमी ने दो वस्तुओं को 650 रुपया में खरीदा, तो एक वस्तु को बेचा 5% बेनिफिट पर और दूसरा को 10% हानि पर, लेकिन देखा क्या, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। बोलो कैसे बनाएंगे? दो वस्तु को 650 रुपया मैंने खरीदा, तो एक का क्रय मूल्य कम से कम मान लेंगे कुछ, कि माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया तथा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। समझा इसको? दो वस्तु को खरीदा है 650 रुपया में, दाम नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए एक का क्रय मूल्य 100 रुपया, दूसरे का 1 रुपया, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ? प्रश्न से 650 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स, दूसरे का वाई, दोनों का है 650। इसका अर्थ क्या हुआ? एक्स में वाई को घटाएंगे तो 650 होगा, कि एक्स में वाई से भाग देंगे तब घटाएंगे? नहीं, भाग देंगे तब होगा 650। एक्स में वाई को घटाएंगे तो होगा 650। ये बेवकूफ, दो वस्तुओं को 650 रुपये में खरीदा जाता है, जोड़ेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा क्यों? मतलब एक तो हम उल्टा पूछ करके पूछते हैं, तो उल्टा जवाब देते हैं, यानी कितना प्लस कितना बराबर 650? बोलो, एक्स प्लस वाई बराबर, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 650। इसको समीकरण एक मान लेंगे। इसके बाद देखो, कहता है एक वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो 100 रुपया में 5% लाभ लिया, तो पहले वस्तु पर लाभ कितना? 5%। इसीलिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बोलो, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 5% लाभ लेता है, तो एक्स प्लस एक्स गुने 5 होता 100, एक्स प्लस एक्स गुने 5 होता 100, मतलब क्रय मूल्य में बेनिफिट जोड़ देंगे तो 5% लाभ, तो x का 5% निकालेंगे तो x गुने 5/100, 5×5 20×5 100, ये हो गया x प्लस x बटा 20, 20 लघुत्तम हो जाएगा 20x प्लस x, यानी 21x/20 रुपया पहले वस्तु का क्रय मूल्य हुआ ना, ये विक्रय मूल्य। इसीलिए इसको समीकरण 3 मान लेंगे। दूसरी वस्तु पर 10% हानि है, यानी 10% हानि पर बेचा दूसरी वस्तु को, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बोलो, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य वाई प्लस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई माइनस वाई गुने 10% हानि पर है, माइनस होगा वाई माइनस वाई का 10%, यानी 10/100 कट करके 1/10 हुआ, वाई माइनस
y by 10 लब्धम निकालेंगे 10y minus y बराबर 9y बटा 10 रुपी होगा इसीलिए दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9y minus बटा 10 9y by समीकरण इसको समीकरण एक तीन यहाँ हो चुका है दो कहाँ चार चलो यही दो है बोलो तू इसको समझा एक पर 5% का बेनिफिट हुआ x में खरीदे थे तो x प्लस x का 5% अंत में पहले वस्तु का विक्रय निकला 21x/20 रुपया दूसरे पर 10% लॉस है 10% हानि पर बेचा गया y रुपया में खरीदा तो y का 10% घटा दो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9y/10 रुपी प्रश्न में क्या कह रहा है देखा कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया तुमको समीकरण दो में और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समीकरण तीन में प्रश्न से दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है ना उसको लिखेंगे अब प्रश्न से पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य यानी दिया हुआ है कितना समझा पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 21x/20 बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरा वस्तु का हो गया 9y/10 और लिखा गुना करेंगे 21 210x 20 180y होगा इसीलिए x बराबर 180y बटा 210 00 कट गया 18y बटा 21 तीन से काटेंगे 6y बटा 7 इसीलिए x बराबर 6y/7 है अब x का मान समीकरण एक में बैठा दो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य जो 650 है एक को x में खरीदे थे दूसरे को y में अब x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक से हो गया तुमको x प्लस y बराबर 650 और x बराबर 6y/7 प्लस y बराबर 650 लगतम लेंगे 60 7y/650 6 7 13y कितना गुना होगा 650 × 7 इसीलिए y बराबर 650 × 7/13 3 × 5 = 35 होगा y इसीलिए y बराबर 350 अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य y रुपया है तो दूसरा वस्तु 350 रुपया में खरीदा गया और समीकरण एक में y का मान रखोगे अब समीकरण एक में y का मान रखने पर y का मान 350 बराबर 650 50 बराबर 300 रुपया तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया यानी 300 रुपया दूसरे का वाई रुपया यानी 350 रुपया बोलो समझा इसको और कोई विधि से बना पाओगे
सोचो एक आदमी ने दो लाख बोलो कैसे 5% लाभ का अर्थ हो गया एक समय 5 रुपया लाभ। तो मान लोगे किसी जैसे देखो दो वस्तु को 650 में खरीदा है, एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है, इसमें से दूसरे को कितना में खरीदा होगा बोलो? एक होगा अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य दोनों को 650 में खरीदा है, एक को लिया 100 रुपया में, तो दूसरा को लिया होगा 650 माइनस 100 में, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 650 माइनस 100 रुपया। अब देखो एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यानी पहले वस्तु को प्रश्न से पहले वस्तु पर लाभ बराबर 5%, इसका क्या अर्थ हुआ? चलो बोलो लाभ 5% का 100 रुपया पे 5% लाभ, 100 में 5 रुपया लाभ लिया, और वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य 100 रुपया में खरीदा 5 रुपया 100 में लाभ लिया, 105 रुपया में बेचा, यानी लाभ अगर 5% है तो 100 में 5 रुपया लाभ, यानी 100 में खरीदो 5 रुपया फायदा लेकर 105 में बेचो, यानी इसका दूसरा अर्थ हुआ अगर 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 105 रुपया है। वह अर्थ पहले वस्तु पर लाभ इतना, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना? 105 रुपया, 5% लाभ है, इसीलिए वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य 105 बटा 100, इसीलिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने हैं? पहले वस्तु का क्रय मूल्य पहले 100 रुपया, इसीलिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 105 बटा 100 × x, 5 से काटेंगे 21, ये 20 x/20 रुपया होगा। अतः प्रथम वस्तु का हुआ, प्रथम वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 21 x/20 रुपया, समीकरण एक। बोलो समझा इसको। अब दूसरे वस्तु पर 10% हानि है, दूसरे वस्तु पर हानि 10% बराबर 10% है ना, होगा यानी 100 में 10 रुपया घाटा, यानी 100 में खरीदो 10 रुपया घाटा लगाकर बेचो, 100 में 10 = 90 रुपया, यानी 100 का माल 90 में बेचो, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 90 रुपया होगा ना। क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना? 90 रुपया होगा, 90 रुपया है,
इसीलिए जब क्रय मूल्य एक रुपया है तो विक्रय मूल्य 90/100 होगा, 90/100, 0 0 कट गया यानी 9/10 रुपया। इसीलिए क्रय मूल्य कितना है दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 650 माइनस एक्स, इसीलिए क्रय मूल्य जब 650 माइनस एक्स रुपया है तो विक्रय मूल्य 9/10 गुने 650 माइनस एक्स रुपया होगा। समझा इसको? लेकिन प्रश्न से पहले वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य समान है ना? लेकिन प्रश्न से प्रथम वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रश्न में यही है ना? तो प्रथम वस्तु का विक्रय मूल्य देखो 21x/20 रुपया, दूसरे वस्तु का निकला है 9/10 गुने 650 माइनस एक्स, 9/10 गुने 650 माइनस एक्स। यहाँ तक समझा? इस इक्वेशन को हल करेंगे तो तीसरा गुना होगा 21x गुने 10, ये तीसरा गुना होगा 9 गुने 20 गुने 650 माइनस एक्स होगा ना, और एक्स बराबर चलो ये हाँ चलो एक्स बराबर 9 गुने 20 गुने 650 माइनस एक्स बट्टा ये 21 और 10 नीचे आएगा, 21 गुने 10, 10 गुने 20, 3 से काटेंगे 7 3 21 3 3 9 होगा, और एक्स बराबर 3 2 6 कोस में हो गया 650 माइनस एक्स बटा 4, इसको तोड़ेंगे तो 6 5 30 3 6 36 3 39 माइनस 6x/7 होगा ना, और अब तीसरा गुना करेंगे 7 को x को 7x हो जाएगा बराबर 3900 माइनस 6x, और 6x ये इधर आएगा तो प्लस 6x बराबर 3900, और 7 6 13 x बराबर 3900, इसीलिए x बराबर 3900/13 ये 300 होगा काटकर, इसलिए x बराबर 300। अब देखो तो अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य x हो यानी 300 रुपया, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 650 माइनस x यानी 650 में से 300 घटाओ 350 रुपया। समझा इसको? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो दूसरे पार्ट में दूसरा हिस्सा।